kind of dangerous. 3, 2, 1, go! हमने कुछ नहीं करना है, पेशेंस नहीं लूज करनी है। ऐसे तैसे करके हम पहुंचा ही देंगे। ये देखो आप कीचड़ देखो कितना ज्यादा हो रखा था भाई साहब, जोश निकल गया पर मजा आया। ओ मी गो, हाँ जी तो मौसम हो गया तगड़ा ही काम और इस टाइम स्नोफॉल हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे वाइट हो गई है जगह, लेफ्ट साइड देखो वाइट हो गई है जगह, मतलब इट्स काइंड ऑफ डेंजरस एज वेल एज अमेजिंग सिचुएशन, क्योंकि मैंने लाइव स्नोफॉल नहीं देखा था तो आज वो भी देखने को मिल रहा है भगवान की कृपा से। अब ऐसी सिचुएशन में भी आपने एक वही काम करना है जैसा मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि पैनिक नहीं करना है, कुछ नहीं हो रहा है, स्नो ही गिर रही है, क्या हो गया, डरना नहीं आने। इस टाइम हम तीनों की हालत टाइट हो रखी है। अगर आपने पुराना व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखो, उसके बाद समझ आएगा सिचुएशन क्या हो रखी है। इस टाइम स्नोफॉल हो रहा है, विंड आ रही है, स्नो आई थिंक आपको विजिबल नहीं हो रही है इस टाइम, और हम कर रहे हैं इस टाइम मोटो व्लॉगिंग। हमें यहाँ से शिकारी देवी इस टाइम, और यहाँ से निकल रहे हैं हम, तो देखते हैं कैसे। पुनीत फुल पैक हो रखा है, इसका गोप्रो वाटरप्रूफ माउंटेड नहीं है, और शक्ति भाई और मेरा तो वाटरप्रूफ है इस टाइम का। तो लेट्स सी, निकलते हैं यहाँ से एंड लेट्स रोल। जय माता दी। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं राइट साइड ही चलूँ, क्योंकि इस टाइम एयर का भी काफ़ी ज़्यादा हवा टकरा रही है, तो उस करके भी फिर काफ़ी इशू आ रहा है वो चीज़ है। और देख लो क्या एक्सट्रीम मोटो व्लॉगिंग हो रही है इस टाइम। तो यार ऑडियो में अगर ऊंच नीच हो जाए तो माफ़ कर देना, क्योंकि ऐसा भी इस टाइम हालत एक्सट्रीम है, मैं आपको बता दूं सिंपली। तो यार पुनीत का क्रैश हो गया। 2, 1, गो! जय बजरंगबली! लगी तो नहीं? कुछ नहीं, ठीक है ना? वो इंपॉर्टेंट है। रुक रुक, इसको मत आओ, इसको भाई उतराई में ना। अब करो। जय माता दी। ये कम ऑन, पता सीन नहीं है क्या एक्चुअली गाइस, उतराई काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, कीचड़ बन रहा है, और इसके पास लोड काफ़ी ज़्यादा है, मैं लोड ले नहीं सकता हूँ, और वैसा सीन है। तो कभी कभी गाइस ऐसी भी चीज़ें हो जाती है, ठीक है? नहीं, जब आप आते हो ऐसे में, हाँ लाइफ इज़ ऑल अबाउट एडवेंचर। तो अभी मैं निकलता हूँ आगे, और शक्ति भाई मेरे पीछे पीछे चलेंगे। एक सेकंड में स्क्रीन साफ कर लूँ, आपको दिख भी रहा है कुछ क्या? ऐसे ही चल रहा है, भगवान भरोसे। सामने देखो लेफ्ट साइड को, यस नो। आप जब भी ऐसी जगह आते हो ना यार, पेशेंस नहीं लूज़ करनी है आपको, कुछ भी हो जाए पेशेंस नहीं लूज़ करनी है, जस्ट स्टे फोकस्ड, कुछ नहीं है, यही करने आप आए होते हो। और मेरी बाइक के हिसाब से तो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो रहा है ना, वो तो मैं आपको बता ही दूं, क्योंकि आप सीटिंग पोस्चर, अगर आपने R15 का भी राइड की है लाइफ में, तो आपको पता होगा कि R15 कितनी ज़्यादा एग्रेसिव सीटिंग पोजीशन के साथ आती है।
नहीं नहीं स्किड नहीं, स्किड नहीं, नहीं नहीं तो कुछ नहीं करना है, चाबी को ऑफ करना है, पेशेंस नहीं लूज करनी है, इजी स्टैंड खोलना ऐसे, एक्चुअली स्लिपरी है तो एक बंदे की जरूरत पड़ ही जाएगी। वेट कर लेते हैं। सामने आप देख रहे हो स्नो कितना प्यार से गिर रही है, स्लोली स्लोली बहुत अच्छे से गिर रही है, मतलब वैसा कुछ है, स्नो भी अच्छे से गिर रही है और बाइक भी अच्छे से गिर रही है। ये सारा ना मिट्टी जो है एक्चुअली ये आपकी चिकनी मिट्टी, तो अभी हमने यहाँ से होके नीचे तक जाना है। आपने कुछ नहीं करना है, पेशेंस नहीं लूज करनी है, सिंपल स्ट्रेट फकत बात बोल रहा हूँ। देखो मैं कितना चिल हूँ इस टाइम। 3, 2, 1 लेट्स गो। जय बजरंगबली। स्टैंड हाँ यही है। तो फाइनली पहुंच गए नीचे और मैं पहुंच गया हूँ नीचे, और पुनीत और शक्ति भाई ऊपर हैं, और सामने देखो कितना बढ़िया झरना बह रहा है। मैं यहाँ रुक गया, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं क्योंकि मेरी तो दर्द हो गई। ओहो एनीवेज अब जो टायर हैं वो देखो आप बिल्कुल स्लिक्स ही नज़र आ रहे हैं। स्लिक्स वो टायर्स होते हैं जो रेसिंग में यूज़ होते हैं, तो कभी भी ऐसी जगह आना तो टायर तो हमेशा अपडेट करके ही आओ। एक्सपर्स में एक्चुअली नॉबी टायर्स लगे हैं तो उनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहता है ग्रिपिंग एंड ऑल में, तो वैसा कुछ सीन है। मोर देन ओके, आ रहा हूँ कोई चक्कर नहीं। जोश भाई साहब, जोश निकल गया पर मजा आया, क्रेजी देखो लगी तो नहीं है ना। ये क्या था? ओ मी गो हाँ जी, तो ये रही तीन अपनी बाइक्स। हमने बाइक यहाँ पार्क कर दिया है, अंदर वाली साइड देवीदड़ का वो पार्क है वहाँ अलाउड नहीं होता, यहाँ पे पार्क कर दिया है। टेंट शक्ति भाई और पुनीत लगा रहे हैं क्योंकि मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं होता है कैसे क्या करना है। एंड इधर बढ़िया से आग जल रही है, तो वैसा कुछ सीन है। ऐसा आज क्रेजी एक्सपीरियंस था, मतलब क्रेजी, क्योंकि ABS भी किक इन कर रहा था, टायर भी स्किड कर रहा था, मेरा भयंकर लेवल का सीन हो रहा था। तो ऐसा कुछ सीन है, अभी कैंपिंग वैम्पिंग कर ली हमने। पहले हमारा प्लान था कि कहीं थोड़ा आगे जैसे जाएंगे, तो वो तो पॉसिबल हो नहीं पाया, बट अभी यहीं पे लगाए, यहाँ पे बढ़िया हो गया, कैंपिंग हो गई और टेंट एक है, 3-man टेंट है, वहाँ पर तीनों बाइक्स लगी हुई हैं, तो बढ़िया है, यहाँ पर
और पानी वानी का सोर्स भी बढ़िया है यहाँ पे निकट नज़दीकी, तो वैसा कुछ है। 2 hours later लकड़ी थोड़ी बहुत ही है मिल गई। सीन ये हो गया कि यार बारिश होगी तो अब लकड़ी भी गीली है, वो एक इशू पड़ गया, वरना बाकी तो सब सही था। तो इस डॉगी को करते हैं बाय बाय। भाई साहब ये चल रहा है दूध, ये रहा टेंट और ये बॉनफायर, और सब सामान अंदर रख रहे हैं क्योंकि बारिश आ गई है, और साथ में ये डॉगी पता नहीं कहाँ से आ गया। Twelve o'clock midnight ऑलराइट जी, खाने वाने का हो गया। पुनीत भाई सो गए, भाई सो जाओ और शक्ति भाई लगे हुए हैं काम करने। तो तीनों बंदे हम इसमें हैं अभी टेंट में, और कल का देखते हैं व्लॉग का क्या बनता है। और बाइक्स हमारी यहीं हैं, और लेफ्ट साइड को हमने बॉनफायर सा जलाया हुआ, बट बारिश लगी हुई है तो उस करके अंदर बैठना पड़ रहा है अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर टेक केयर बाय, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर।